झारखंड और देश विदेश के खबरों में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। पहला खबर है रांची से। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हॉकी खिलाड़ी माइकल किंडो का निधन। सिमडेगा के रहने वाले थे। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी माइकल किंडो का कल राउरकेला के ICH हॉस्पिटल में 3 बजे के आसपास निधन हो गया। उन्होंने 1975 विश्व कप में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के आयरन गेट, 1972 ओलंपिक में कांस्य पदक, 1971 विश्व कप में कांस्य पदक, 1973 विश्व कप में रजत पदक सहित एशिया कप, कॉमनवेल्थ गेम सहित दुनिया के सभी बड़े प्रतियोगिता में भी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था। अब माह के अंतिम शनिवार को स्कूलों में पेरेंट्स मीटिंग। सुधरेगी शिक्षा व्यवस्था। विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और छात्र शिक्षक व अभिभावकों के बीच बेहतर समन्वय के लिए पेरेंट्स मीटिंग के निर्देश शिक्षा विभाग ने दिया है, ताकि पढ़ाई से संबंधित दिशा निर्देश और छात्रों के परफॉर्मेंस का फीडबैक अभिभावकों को मिल सके। विद्यालयों को दिशा निर्देश दिया गया है कि वो अंतिम शनिवार को अभिभावक शिक्षक की बैठक अनिवार्य रूप से विद्यालय में आयोजित कराएं। यह खबर है जमशेदपुर से। मंत्री जी के चेक से नहीं निकल रहा है पैसा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल को ऐसा चेक दिया है कि उससे आज तक पैसा नहीं निकल रहा है। अब नए साल का इंतजार हो रहा है, क्या पता कोई जादू हो जाए और पैसा निकल जाए। खैर, नेताजी के पास से पैसा निकालना है तो थोड़ा समय तो जरूर लगेगा, लेकिन 6 माह से अधिक समय बीत जाए इसका यकीन किसी को नहीं था। कोरोना के दौरान मंत्री ने पहल करते हुए 21 जून को MGM प्रबंधन को 10 लाख रुपए के डमी चेक दिया था। कहा था कि पैसे के अभाव में किसी का इलाज न रुके। उनके इस प्रयास की सराहना खूब हुई थी, लेकिन हकीकत यह है कि MGM प्रबंधन को आज तक असली चेक मिला ही नहीं। ऐसे में 10 लाख रुपए कब मिलेंगे इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अस्पताल प्रबंधक से पूछने पर अधिकारी चुप्पी साध लेते हैं। झारखंड में पानी के कनेक्शन के लिए निशुल्क निर्धारित, ऑनलाइन आवेदन कर ले सकते हैं कनेक्शन। जाने किन्हें मिलेगा हर महीने 5000 लीटर मुफ्त पानी। राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों में पानी का कनेक्शन लेने के लिए 7 से 42 हजार रुपए तक निशुल्क निर्धारित किया है। सरकार ने वाटर कनेक्शन रूल 2020 में इसका प्रावधान किया था। नियमावली में पानी का कनेक्शन देने के लिए बिल्ड अप एरिया को आधार बनाया गया है। स्थानीय निकाय क्षेत्र में BPL और APL को हर महीने 5000 लीटर पानी मुफ्त देगी। वहीं संस्थाओं, वाणिज्य और औद्योगिक इकाइयों को मुफ्त पानी नहीं मिलेगा। नशा के खिलाफ झारखंड की चतरा पुलिस का छापेमारी अभियान। अफीम के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। यह खबर है चतरा से। नशा के खिलाफ चतरा पुलिस का अभियान जारी है। इसी क्रम में चतरा पुलिस को आज गुरुवार को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर 5 किलो अफीम के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने करीब 4.5 लाख रुपए, डिजिटल तराजू समेत अन्य सामान बरामद किए हैं। जनवरी में मिलेगा नियुक्ति पत्र। सीधी नियुक्ति में 40 खिलाड़ियों को मिलेगी नौकरी। 15 दिन के अंदर नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। नया साल खिलाड़ियों के लिए सुखद खबर लेकर आ रहा है। सीधी नियुक्ति के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी चयन समिति ने 40 खिलाड़ियों को नौकरी देने पर मुहर लगा दी है। 3 खिलाड़ी गजस्टेड ऑफिसर बनेंगे। 37 खिलाड़ी को तृतीय वर्ग में नौकरी मिलेगी। इन खिलाड़ियों को 15 दिन के अंदर नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। स्थापना दिवस के दिन विरसी मुंडो को खेल विभाग का नियुक्ति पत्र मिल गया है। 39 खिलाड़ियों को शिक्षा, गृह, वित्त, उत्पाद और वन विभाग में नौकरी मिलेगी। ट्रेन में यात्रियों की भीड़ कम करने के लिए रेलवे ने इन 2 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का किया अवधि विस्तार। तो आइए जानते हैं खबर को थोड़ी विस्तार से। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनों की सेवा अवधि में विस्तार किया है। रांची पटना फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन अब 31 जनवरी तक चलेगी। वहीं ट्रेन संख्या 08311 सबलपुर मंडुआ हीड और फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का परिचालन सबलपुर से प्रत्येक बुधवार एवं रविवार को 27 जनवरी तक होगी। ट्रेन संख्या 08312 मंडुआहडी सबलपुर ट्रेन मंडुआहडी से प्रत्येक गुरुवार एवं सोमवार को 28 जनवरी तक चलेगी। अब खबर देश दुनिया और देश की विभिन्न योजनाओं एवं खेलों से। बदल गया ट्रेन टिकट बुकिंग का अंदाज।
IRCTC की नई वेबसाइट मोबाइल ऐप लॉन्च। आज से ट्रेन टिकट बुक करने का अंदाज बदल गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने IRCTC की नई वेबसाइट और मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया। IRCTC का दावा है कि नई वेबसाइट से यात्रियों का टिकट बुक करने का अनुभव बदलने वाला है। टिकट बुक कराना पहले से ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा। CBI की ताबड़तोड़ छापेमारी, ममता बनर्जी के भतीजे के करीबी पर लिया एक्शन। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी तापीस काफी बढ़ चुकी है। इस बीच कल यानी गुरुवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कोलकाता में तृणमूल यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी विनय मिश्रा के ठिकानों पर छापेमारी की। विनय मिश्रा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। CBI द्वारा यह रेप मवेशी तस्करी घोटाले को लेकर की गई है। गायत्री प्रजापति के घर ईडी की छापेमारी, मिले 21 लाख के पुराने नोट, ड्राइवर के नाम 200 करोड़ की संपत्ति। दुष्कर्म मामले में आरोपी और सपा सरकार में कदावर मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति के घर और ऑफिस समेत अन्य ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम द्वारा की गई छापेमारी में कई अहम दस्तावेज बरामद हुए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को ईडी ने गायत्री प्रजापति, उनके बेटे और करीबियों के घर, दफ्तर समेत 7 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे थे। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ में ईडी को 11 लाख की पुरानी करेंसी, 5 लाख कीमत के सादे स्टंप समेत दर्जनों संपत्तियों के दस्तावेज बरामद मिले हैं। इसके अलावा ड्राइवर के नाम 200 करोड़ की संपत्ति के सबूत हाथ लगने की बात सामने आ रही है। सास के ताने दिल पर न ले बहू, आपका पति उनका भी बेटा, कोर्ट ने दिया ये फैसला। मुंबई की एक कोर्ट ने शादीशुदा जीवन को लेकर बुधवार को एक अहम फैसला सुनाया जो शादीशुदा लोगों के लिए एक नजीर की तरह काम करेगा। सास ससुर के खिलाफ बहू की शिकायत के एक मामले पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि ससुराल में हंसी मजाक और सास ससुर के ताने शादीशुदा जिंदगी का हिस्सा है, ये तो हर परिवार में होता है। मुंबई में सेंसर कोर्ट ने मालावार हिल के निवासी 80 और 75 साल के बुजुर्ग दंपति को बुधवार को अग्रिम जमानत दे दी। हालांकि दुबई जाने की आशंका के चलते सास ससुर का पासपोर्ट को ने अपने पास रख लिया। दरअसल बहू ने अपने सास ससुर पर ससुराल में बुरा व्यवहार करने का आरोप लगाया था। किसान आंदोलन में घुसा JNU का डबली गैंग, देखिए वीडियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहे, नए विस्टा डोम कोच से ट्रेन यात्रा ज्यादा यादगार बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से बने नए विस्टा डोम कोच की तारीफ करते हुए कहा कि इन कोच में यात्रियों को मिलने वाली आरामदायक सुविधाएं ट्रेन यात्रा को और यादगार बना देगी। विस्टा डोम कोच की छत शीशा लगा होता है और इसमें 44 सीटें होती है जो 180 डिग्री तक घूम सकती है। मंगलवार को इन कोच ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रायल रन पूरा किया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को इन कोचों की तस्वीर ट्वीट कर देश पेश की। इस पर PM ने ट्वीट किया, आराम और अत्याधुनिक तकनीक ट्रेन के सफर को यादगार बना देंगे। 30,000 लोगों पर हुआ मॉडर्ना के टीके का ट्रायल, जानिए कितनी असरदार है यह कोरोना वैक्सीन। अमेरिका की जैव प्रौद्योगिकी कंपनी मॉडर्ना के टीके के मौजूदा तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के विश्लेषण के नतीजे ये बताते हैं कि टीका संक्रमण को रोकने और गंभीर बीमारी की स्थिति में 94.1% असरदार है। इस संबंध में एक अध्ययन बुधवार को शोध पत्रिका द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित हुआ। आंध्र प्रदेश में भगवान राम की 400 साल पुरानी मंदिर को तोड़ी, BJP ने जगनमोहन रेड्डी सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। विजयनगरम जिले के राम तीर्थम में भगवान राम की 400 साल पुरानी मूर्ति को कथित तौर पर तोड़ने की घटना के बाद BJP कार्यकर्ताओं ने मंदिर परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। मंगलवार को कथित तौर पर मूर्ति को तोड़ दिया गया था। पुजारी ने पहले देखा कि मंदिर का ताला टूटा हुआ है, इसके बाद उसकी नजर भगवान राम की मूर्ति पर पड़ी जिसका सिर गायब था।
मेक इन इंडिया अभियान की बड़ी कामयाबी, अब विदेशों में भारतीय हथियारों का बजेगा डंका, जाने कैसे। केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को रक्षा क्षेत्र में बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश की रक्षा क्षेत्र के लिए बड़ा फैसला लेते हुए स्वदेश निर्मित आकाश मिसाइल के निर्यात की मंजूरी दे दी है। सरकार सूत्रों के अनुसार पूर्वी एशिया और अफ्रीका के 9 देशों ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की ओर से विकसित आकाश मिसाइल का अधिग्रहण करने में रुचि दिखाई। आपको बता दें कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर तक है। आकाश मिसाइल लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन पर सटीक लक्ष्य भेद सकती है। पूरे देश में एक साथ कोरोना वैक्सीन का ड्रोन रन, 2 जनवरी से शुरू होगा सबसे बड़ा अभियान। नए साल की दस्तक के साथ ही देश में अब कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। भारत सरकार ने फैसला लिया है कि 2 जनवरी से देश के हर राज्य में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को बैठक में यह फैसला लिया। राष्ट्रपति कोविंद ने देश के अलग अलग हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के ट्रांसफर को दी मंजूरी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को देश के अलग अलग हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के ट्रांसफर को मंजूरी दे दी है। इसके मुताबिक उन्हें देश भर में अलग अलग हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया गया। इसके मुताबिक आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जितेंद्र कुमार महेश्वरी को सिक्किम हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। खबर खेल से, एड की दुनिया में डेब्यू करेंगी MS धोनी की नन्ही बेटी जीवा। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान MS धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद ज्यादातर वक्त परिवार के साथ बिता रहे हैं। IPL में निराशजनक प्रदर्शन को भुलाकर इन दिनों वो अपनी पत्नी साक्षी रावत और बेटी जीवा के साथ दुबई में छुट्टियां मना रहे हैं। रोहित ने शुरू की सिडनी टेस्ट की तैयारी, BCCI ने कहा इंजन स्टार्ट हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में 14 दिनों का पृथकवास पूरा करने के बाद अनुभवी भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा ने गुरुवार को मेलबर्न क्रिकेट मैदान में पहली बार अभ्यास सत्र में भाग लिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 जनवरी से शुरू हो रहे सिडनी टेस्ट में इस सलामी बल्लेबाज के खेलने की संभावना है। खुशखबरी, नए साल में सरकारी नौकरियों की बहाली, किस राज्य में 50,000 पदों पर होगी बहाली जानिए। पंजाब मंत्रिमंडल ने बुधवार को मौजूदा वित्त वर्ष में 50,000 सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को तेज करने के साथ ही 10 विभागों में पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी है। सरकार 31 मार्च तक 10 विभागों में 50,000 लोगों की भर्ती करेगी। साल के आखिरी दिन PM मोदी ने कोरोना को लेकर दिया नया मंत्र, वैक्सीन पर दिया गुड न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजकोट में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखी। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए PM मोदी कोरोना वायरस को लेकर एक मंत्र दिया और कहा कि दवाई भी है और कड़ाई भी। इसके साथ ही वैक्सीन को लेकर कहा कि वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही है, डरने की बात कोई बात नहीं है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।